हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विनिंग स्पोर्ट 11 में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं श्रीलंका और फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लैंड के बीच में जो पांचवा फ्रेंड्स यहाँ पे ओडीआई मैच खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है पहला मैच यहाँ पे एबेंडेड हो चुका था और बाकी तीन मैचेस फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से विन कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप यदि ग्रैंड लीग खेलते हैं तो वीडियो को आज बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। फ्रेंड्स यहाँ से बहुत से चेंजेस हुए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लैंड में और फ्रेंड्स यहाँ पे एकाध चेंज आपको श्रीलंका में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स दोनों का बहुत न्यूज निकाल के लाया हूं आपके लिए। तो आपने फ्रेंड्स अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। उससे फ्रेंड्स यूट्यूब पे आगे आने वाले हमारे जो भी वीडियो रहेंगे किसी भी मैचेस के वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहां से आपको बता दें, जैसे कि फ्रेंड्स यहां पे इंग्लैंड के कैप्टन ने साफ साफ कहा था फ्रेंड्स यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो भी प्लेयर यहां पे बेंच पे बैठे हैं उनको ट्राई करेगी फ्रेंड्स यहां पे टीम। तो फ्रेंड्स यहां पे बहुत से चेंज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपके लिए फ्रेंड्स यहां से मैं अभी तक आपको ऑप्शन देता था, आज मैं फ्रेंड्स आपको यहां से दो टीम ग्रैंड लीग के लिए देने वाला हूं। आपने फ्रेंड्स या तो उस टीम से आपको यहां पर लॉस हो जाएगा या फिर फ्रेंड्स उस टीम से आप बहुत अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो आपकी इच्छा है, आपको इस दो टीम जो मैं यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा वो आपको खेलना है उससे नहीं खेलना है, बाकी फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से भी टीम बना सकते हैं। यहां पर मैं आपको इतनी जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखेंगे हम अभी तक इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा दोनों टीमों का और जो चेंज होने वाले हैं फ्रेंड्स वो पॉसिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे वो भी इस वीडियो में आपको जरूर मैं बताने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स यहां से देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप यहां से दोनों टीमों का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहां से श्रीलंका का देखिए आप, रोशन डिकवेला ने लास्ट मैच में 52 रन की पारी खेली थी और फ्रेंड्स अभी इनको आप मैं शुरू से दिखाऊंगा जब टीम बनाऊंगा। फ्रेंड्स मैंने आपसे शुरू में ही बोला था ये प्लेयर का, फ्रेंड्स आपने देखा शुरू में जोस बटलर के साथ बहुत सारे लोग जा रहे थे। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखना 52 रन बनाए थे इन्होंने लास्ट मैच में और सदीरा फ्रेंड्स यहाँ पे एक रन बनाया था मात्र इन्होंने। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दिनेश चंटीमल आए थे और फ्रेंड्स 33 रन की पारी खेली इन्होंने। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुशल मेंडिस ये कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों मैचेस से, तो ये एक चेंज हो सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे उपुल थरंगा वापसी कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ पे मैच होने वाला है इस ग्राउंड में उपुल थरंगा का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है अब तक। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से धनंजय डिसलवा ने 17 रन बनाए थे और फ्रेंड्स यहाँ पे उनको कोई विकेट नहीं मिला था मैच में। इसके बाद आप देख सकते हैं धनुष सनका तो थोड़ा ऊपर इनको प्रमोट किया गया था, आप देख सकते हैं 66 रन की इन्होंने पारी खेली थी। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत बढ़िया पिक रहने वाले हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ से थिसारा परेरा 32 रन बनाए थे इन्होंने लास्ट मैच में और फ्रेंड्स इसके बाद आप देख सकते हैं इधर पे अकीला धनंजय ने 32 रन बनाए थे साथ में और फ्रेंड्स दो विकेट लिया था। तो ये बहुत बढ़िया प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दो विकेट लिया थे इन्होंने लास्ट मैच में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से मलिंगा ने 4 रन बनाए थे और फ्रेंड्स इधर से कोई विकेट नहीं मिला इनको लास्ट मैच में। ये उपुल थरंगा को फ्रेंड्स आपको जैसे कि बताया इनके बहुत ज़्यादा हाई चांस बन रहे हैं फ्रेंड्स आने के। तो यहाँ पे आप देखिए अपोन्सो को लाया गया था बल्कि इन्होंने पहले में इसके पहले जो हुआ था दो विकेट लिया था लास्ट में, इनको भी कोई विकेट नहीं मिला। यहाँ से बताओ तो कसुन रजिता इनको भी लास्ट मैच में लाया गया था, इनको कोई विकेट नहीं मिला इधर पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ पर कन्फर्म प्लेइंग 11 बताऊँगा आपको और यहाँ पर आप देख ले इन प्लेयरों को ड्रॉप किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लगभग सारे प्लेयरों का मैंने न्यूज दे दिया था जो भी प्लेयर फ्रेंड्स यहां से वापस जाने वाले थे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां से बता दें इंग्लैंड का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसन रॉय ने 45 रन बनाए लास्ट मैच में और एलेक्स हेल्स ने 12 रन खेले फ्रेंड्स इधर पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जेरूड ने 32 रन बनाए लास्ट मैच में और यान मॉर्गन ने 31 रन बनाए हैं इधर पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे बता दें और किसी की बैटिंग नहीं आई थी, मात्र 4 लोगों ने ही यहाँ पर बैटिंग किया था और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है बारिश होती रहती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई से भी डकबर्ड लुइस लग जाता है या फ्रेंड्स यहाँ पर ओवर कम हो जाते हैं तो मैच चालू हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं बाकी प्लेयरों का परफॉर्मेंस जो लास्ट मैच में खेले थे। तो फ्रेंड्स लास्ट मैच में यहां पे बेनस्टो को भी विकेट नहीं मिले, लास्ट में यहां पे मोइन अली ने 2 विकेट लिया था जो कि इसके पहले कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे बॉलिंग से। और यहां पे बता दें इस ग्राउंड पे मोइन अली का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां से क्रिस बॉक्स ने 1 विकेट लिया था लास्ट मैच में और आप देख सकते हैं टॉम कोरन ने भी 1 विकेट लिया था, आदिल रशीद ने 1 विकेट लिया था और यहां पर ओली स्टोन को कोई विकेट नहीं मिला। तो ये आपके लिए एकदम चेंजेस वाला ऑप्शन है, जरूर आपको ये खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स यहां से आपको बता दें जेसन रॉय ये फ्रेंड्स खुद भी बैठ सकते हैं। मैं आपको बता दूं जेसन रॉय यहां पे आपको जॉर्डन ली का ऑप्शन है और फ्रेंड्स एलेक्स हेल्स जो कि फ्रेंड्स अभी लास्ट मैच में आए हैं तो वो और फ्रेंड्स यहां से जॉर्डन ली ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस है फ्रेंड्स यहां पर जॉर्डन ली के। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको बता दें बेन स्टोक की जगह फ्रेंड्स इधर से
सैम कुरन वापसी आ सकते हैं। सैम कुरन को फ्रेंड्स यहाँ पे मौका मिल सकता है, जो कि फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, अब तक एक भी मैच नहीं खेला है इन्होंने। और यहाँ पे आपके लिए एक बात और है फ्रेंड्स, यहाँ पे लियाम प्लंकेट, लियाम प्लंकेट फ्रेंड्स यहाँ पे ओनली स्टोन की जगह आ सकते हैं, या फिर यहाँ से आएंगे मार्क वुड, या फ्रेंड्स ये चारों प्लेयरों को टीम चाहे तो मौका दे सकती है फ्रेंड्स इधर से। आपने इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से कैप्टन ने साफ साफ बोला है कि जो बेंच पर प्लेयर बैठे हैं, क्योंकि ये मैच उनके लिए कोई खास प्लेयर होने वाला है नहीं खास, तो चार प्लेयर जो है उनको मौका दे सकती है टीम, तो इस बात का आपने ध्यान रखना फ्रेंड्स इधर से। अभी आप देख लेंगे इधर से पॉसिबल प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से, यहाँ पे देखिए जियो डोनली और एलेक्स हेल्स आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद फिर यहाँ से जियो रूट, तो जियो रूट को आपको बता दूँ 64 रन की ज़रूरत है अभी अपने वनडे करियर में 5000 रन पूरे करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान में रखना थोड़ी सी, जियो रूट को अभी 5000 रन करने के लिए 64 रन की ज़रूरत होती है, ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत बढ़िया पिक रहने वाली है और लंबी इनिंग खेल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से यान मॉर्गन का पता बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है इधर पर, उसके बाद कीपिंग में जोस बटलर हैं, मुइन अली थोड़े से रिस्की रहने वाले हैं फ्रेंड्स मेरे हिसाब से, इनको खेलना चाहिए इसलिए फ्रेंड्स यहां पे लिखा है अलग से मैंने। बाकी यहां पे सेम कुरान है और टॉम कुरान है फ्रेंड्स, यहां पे लियाम प्लंकेट है, आदिल रशीद है, मार्क वुड है। तो फ्रेंड्स ये प्लेयर आप देख सकते हैं बहुत से चेंज करके मैंने यहाँ पे प्लेइंग 11 लिखा हूँ, और फ्रेंड्स ये मेरे हिसाब से रहने वाली है जहाँ तक मैंने न्यूज निकाली है, तो आप फ्रेंड्स यहाँ से प्लेयर पिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें यहाँ से श्रीलंका की, तो श्रीलंका में आप देख सकते हैं यहाँ पर निरोशन डिगवेला आपको दिखाई देंगे, सदीरा दिखाई देंगे, मे बी फ्रेंड्स यहाँ पर उपुल थरंगा के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं, तो उपुल थरंगा को आपने पिक करना तो जरूर आप पिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप देखिए कुशल मेंडिस रिस्की चॉइस रहने वाले हैं, मे बी इनको शायद से टीम मौका दे दे, बट इनकी जगह पे फ्रेंड्स यहाँ पे उपल थरंगा आपको दिखाई देंगे। यहाँ से बता दें तो धनंजय डिसल्वा खेलेंगे, और फ्रेंड्स यहाँ पे धनुष सनका है, थिसारा परेरा है, अकीला धनंजय है, अमीला पोंसो है, इसके बाद लसित मलिंगा है, और फ्रेंड्स यहाँ पे चमीरा के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं आने के इस मैच में। तो फ्रेंड्स ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 रह सकती है यहाँ पे श्रीलंका की। और फ्रेंड्स आप यदि चाहते हैं कि फ्रेंड्स आप एकदम सेफ खेलें, आपका फ्रेंड्स कोई सा भी प्लेयर मिस ना हो, चाहे फ्रेंड्स यहाँ पे जितना भी रिस्की मैच होने वाला हो आप बिल्कुल सेफ खेल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप इधर पहले देख सकते हैं अभी इस मैच के लिए यहाँ पर 9 घंटे 36 मिनट बाकी हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी आप देखिए फ्रेंड्स इधर से हाला प्ले पे, तो 10 घंटे 36 मिनट इधर पर बाकी है, मतलब इधर पर फ्रेंड्स जब तक मैच स्टार्ट नहीं हो जाता आप यहां पे अपनी टीम को एडिट कर पाते हैं। सबसे बेस्ट फ्रेंड्स यहां पे फैंटेसी है फ्रेंड्स आपके लिए, आपको फ्रेंड्स यहां पर टॉस होने के बाद दोनों टीमों का प्लेइंग 11 पता चल जाता है, जैसे कि फ्रेंड्स मैं अभी आपको वो भी दिखाऊँगा, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपनी टीम को लास्ट तक भी चेंज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है फ्रेंड्स यहाँ से। और आपको साइनअप करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से 100 रुपये का कैश बोनस मिलेगा, जो कि फ्रेंड्स आप किसी भी लीग में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने फ्रेंड्स यहाँ पे कोई कैश आपने यूज़ ऐड करना नहीं है, और जो भी कैश बोनस मिलेगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर साइनअप कर लेना, डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स इसका लिंक मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ से रेफरल कोड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर पे हाला प्ले पे फ्रेंड्स इस प्रकार प्लेयर शो हो जाया करता है, जो भी प्लेयर खेल रहा है फ्रेंड्स इधर पे आपने समझ में आ जाता है, जो प्लेयर नहीं खेल रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइव एलन का नहीं दिया था, यहाँ पे फ्रेंड्स जेसन होल्डर खेल रहे थे इनका दिया था, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रविंद्र जडेजा का यहाँ पर दिया था, तो ये आपने यहाँ से कन्फर्म हो जाता है फ्रेंड्स जो भी प्लेयर खेल रहा है आप उनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। जिसके फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं ये हाला प्ले पर लगभग 15 मिनट आपको पहले लाइन क्लियर कर दिया जाता है, 15 मिनट 20 मिनट पहले, और फ्रेंड्स यहां से जैसे लाइन क्लियर होता है सारे प्लेयर आपके लिए शो हो जाया करते हैं, जो भी प्लेयर खेल रहे हैं आप उनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, तो यहां फ्रेंड्स आपका प्लेयर बिल्कुल भी मिस नहीं होगा, तो आप यहां पे जरूर साइन अप कर लेना। साथ में फ्रेंड्स आप करिए लीग एक्स पे साइन अप, यहाँ भी आप अपनी टीम को फ्रेंड्स टॉस होने के बाद में यहाँ पे एडिट कर पाते हैं, और फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं इधर पे अभी 10 घंटे 33 मिनट दिखा रहा है, तो जब तक मैच स्टार्ट नहीं हो जाता फ्रेंड्स इधर पे भी आप अपनी टीम को एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले हाला प्ले पर टीम को देख लीजिए, जो भी प्लेयर फ्रेंड्स यहाँ पर खेल रहे हैं आप आके फ्रेंड्स लीग एक्स पर अपनी टीम को एडिट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको साइन अप करते ही मिलेगा 25 रुपये का कैश बोनस, जो कि आप यहाँ पर 100% यूज़ कर पाएंगे, और फ्रेंड्स सबसे बढ़िया है इधर पर 200 रुपये तक आपको कैश बोनस मिलता है, तो आप फ्रेंड्स इधर पर जरूर साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा, साथ मिल जाएगा रेफरल कोड, तो आप यहाँ से जरूर साइन अप कर लेना फ्रेंड्स, यहाँ से आपके विनिंग करने के रहते हैं ज़्यादा चांस।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ विकेट कीपिंग में। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैच स्टार्ट हुआ था, तो फ्रेंड्स मैंने आपको शुरू में बोला था, आप देख सकते हैं इनको मात्र 10% लोगों ने लिया था, और मैंने आपको बोला भी था कि अभी तक देखिए इनको बहुत कम लोगों ने लिया था। इसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ से देखिए आप पॉइंट देना चालू किया और यहाँ पर इनका परसेंटेज बढ़ गया, अभी देखिए आप 73% तक पहुँच गए। तो फ्रेंड्स ये बात रहती है जो शुरू में मैं बोलता हूँ उसको फ्रेंड्स आप ध्यान यदि देते होंगे तो आपको ज़रूर फायदा होता होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स निरोशन डिगवेला को लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहां से मैं बता दूं बारिश होने के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चांस है इधर पे, तो 80% चांस है लगभग यहाँ पे बारिश होने के। तो आपने फ्रेंड्स कोशिश करना है, एक टीम आप ग्रैंड लीग में लगाते हैं तो ग्रैंड लीग में एक टीम ऐसी लगाइए 6 टीमों में से कि फ्रेंड्स आपने टॉप ऑर्डर के बिल्कुल बैट्समैन अपने पास रखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स बैट्समैन की बात करें तो जियो रूट का आपको जैसे कि मैंने अभी बताया फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बाकी फ्रेंड्स देखना आपने लास्ट तक, आपको फ़ायदा जरूर होगा। तो जैसे 64 रन की ज़रूरत है अभी जियो रूट को अपने पूरे 5000 रन पूरे करने के लिए वनडे करियर के, तो फ्रेंड्स यहां पे जो रूट एक अच्छी पारी खेल सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया पिक रहने वाले हैं। और आप एक टीम में अलग से लेना चाहें तो उपुल थरंगा को जरूर ले लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे कोलंबो इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है तो आप इनको ले सकते हैं एक टीम में। बाकी यहां पे बेरेस्टो खेलने वाले हैं नहीं, आपको बता दूं ये फुटबॉल खेलते समय लास्ट में इंजर्ड हो गए तो फ्रेंड्स इनको T20 से भी बाहर कर दिया गया, रूल्ड आउट हो गए हैं। यहां से फ्रेंड्स दिनेश चंटीमल भी है, आप इनको ले सकते हैं, यान मॉर्गन है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पे लेना है तो आप धनुष तनखा को ले सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स इधर पे ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास फ्रेंड्स मेरे हिसाब से बेन स्टोक इस मैच को छोड़ने वाले हैं, इनको रेस्ट दिया जाएगा। फ्रेंड्स इधर से आपके लिए थिसारा परेरा है, मोइन अली थोड़े बहुत डाउट में रहेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, क्योंकि यदि 4 प्लेयर को फ्रेंड्स यहाँ पर पिक करती है इंग्लैंड की टीम तो फ्रेंड्स मोइन अली को यहाँ से बैठना पड़ जाएगा। बाकी फ्रेंड्स सेम करन मेरे हिसाब से खेलेंगे, बहुत रिस्की मैच होने वाला है तो फ्रेंड्स एक चीज़ का याद रखना आपने बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना है इस मैच में, ओनली आप खेलिए तो ग्रैंड लीग फ्रेंड्स स्मॉल लीग में आप सोच समझ के पिक करिए अपनी रिस्क पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां से धनंजय का ऑप्शन रहने वाला है, और सबसे ज्यादा फ्रेंड्स यहां पे चांस जिसके बन रहे हैं वो है जियो डेली के। तो फ्रेंड्स यहां से मैं आपको बता दूं ग्रैंड लीग में आप इनको लीजिए, और फ्रेंड्स आप लीजिए यहाँ से सेम कुरन को, साथ में फ्रेंड्स आपने लेना तो यहाँ से आप थिसारा परेरा को ले सकते हैं। तो आपके लिए ये 3 बढ़िया पिक रहने वाले हैं फ्रेंड्स ग्रैंड लीग के लिए। बाकी आपने फ्रेंड्स यहाँ पे सेफ खेलना है तो आप यहाँ पे लीजिए धनंजय डिसलवा को, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप किसी और को पिक मत ही करिए, आप लीजिए मोइन अली को, थोड़े बहुत चांस इनके भी बनते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर आदिल रशीद का एकदम सेव ऑप्शन रहने वाला है, और क्रिस बॉक्स मेरे हिसाब से ये खेलना चाहिए, या फिर यहाँ पर क्रिस उसको रेस्ट भी दे सकती है टीम। बाकी यहां से देखिए लियाम पुलंकेट आ सकते हैं, ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया ऑप्शन है आपके पास यहां पे, बाकी यहां पे मार्क बोर्ड है तो दोनों आपके लिए बढ़िया पिक रहने वाले हैं ग्रैंड लीग के लिए। तो आपने पिक करना तो जरूर पिक कर सकते हैं, बाकी आपने सेफ खेलना तो आप फ्रेंड्स इन दोनों को पिक कर लीजिए, तो ये आपके लिए फ्रेंड्स यहां पर सेफ टीम भी हो सकती है। बाकी यहां पर मैं आपको अभी भी बोल दे रहा हूं थोड़ा सा डाउट है मुझे आप मोइन अली पे, बाकी मेरे हिसाब से सब प्लेयर खेलना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां से आपने फ्रेंड्स पिक करना है यदि मोइन अली को तो आप जरूर करिए, नहीं तो आप मोइन अली को चाहे तो यहां से ड्रॉप भी कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहां से एलेक्सेस को पिक करना होगा तो आप उनको भी आराम से पिक कर सकते हैं, ये आपको फ्रेंड्स एक नंबर खेलते हुए दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए एकदम सेफ टीम रहने वाली है, आपने खेलना है इस टीम से तो आप जरूर खेल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर बता दूं 4 मैच हुए हैं लगभग और 3 मैच यहां पर आपको पता है श्रीलंका हार चुका है, तो फ्रेंड्स ये मैच कैसे भी करके ये जीतना चाहेगी, और यहां पर फ्रेंड्स इनके जो मेन प्लेयर हैं वो यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करने का प्रयास करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपने थोड़ी सी बात ध्यान में रखना है, और बाकी यहाँ से आपके लिए बता दिया मैंने ग्रैंड लीग फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ ग्रैंड लीग में ऑप्शन, तो एलेक्स सेल्स को भी कम लोगों ने लिया है, आप इनको चाहे तो पिक कर लेना। बाकी आपने फ्रेंड्स यहाँ से सीधा पिक करना है सैम करन को, और यहाँ से फ्रेंड्स जियो डेनली को, तो ये आपके लिए एक टीम रह सकती है ग्रैंड लीग के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ से आपके लिए बता दें मलिंगा को मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं मार्क बुट को लेके जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत बढ़िया टीम रहने वाली है ग्रैंड लीग में। आपने फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे टॉम करन भी आपको खेलते हुए मिल जाएंगे, तो स्मॉल लीग में आप इनके साथ भी जा सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिए आप ग्रैंड लीग के लिए एक टीम आपके लिए ये रहने वाली है, और फ्रेंड्स यहाँ से आपके लिए बता दें कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस रहेगी ग्रैंड लीग में जो डेनली की, और फ्रेंड्स ये दोनों आपके लिए बहुत बढ़िया पिक रहने वाले हैं। जो रूट का मैंने आपको बताया 64 रन चाहिए इनको अभी 5000 रन पूरे करने में, और मोइन अली का परफॉर्मेंस देख रहा
रहे हैं, लगातार फ्रेंड्स कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, तो ये दोनों आपके लिए बहुत बढ़िया पिक रहने वाले हैं। तो स्मॉल लीग में आपने जाना है इनके साथ तो आप जा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स मैंने दो टीम और बना के रखा हूँ आपके लिए, तो वो मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ, जो कि फ्रेंड्स फुल टू ग्रैंड लीग के लिए रहेंगी, फुल टू रिस्की रहेंगी, आपने खेलना तो खेल सकते हैं, बाकी फ्रेंड्स उस टीम से आपका लॉस भी हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। मैं अभी पूरी बात बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स इधर से, बाकी फ्रेंड्स यदि वो सारे प्लेयर खेल गए तो फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखना कि ग्रैंड लीग में आप कभी फिर छः टीम लगाने में ये नहीं सोचोगे कि कभी मेरा लॉस होगा, अगर फ्रेंड्स वो प्लेयर खेल जाते हैं तो। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इधर से, तो फ्रेंड्स एक टीम ये है मेरी फर्स्ट टीम, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जियो रूट को कैप्टन रखा है, क्योंकि फ्रेंड्स इनका लंबी इनिंग खेलने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए बता दें थिसारा परेरा को रखा है मैंने, आपने फ्रेंड्स थिसारा परेरा को नहीं रखना है तो आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, आप आदिल रशीद को ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मोइन अली को, यहाँ पे फ्रेंड्स इनको इयान मॉर्गन को पिक कर लेना कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो फ्रेंड्स आप इनके साथ जा सकते हैं इस टीम में। यदि आपने जाना है सेम टीम के साथ में तो ज़रूर आप जा सकते हैं, बट फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यदि रैंक अच्छी आई और आप सेम टीम से खेले तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं, एक आध चेंज आप कर लेंगे जरूर तो आपका फायदा यहाँ से हो सकता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी सेकेंड टीम, बाकी फ्रेंड्स इधर पे आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे निरोशन टिकवेला को वाइस कैप्टन रख सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स ओपनिंग करने के लिए आएंगे, बाकी आपने परफॉर्मेंस तो देख ही लिया है इनका। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सेकंड टीम है जो फुल ग्रैंड लीग के लिए है, आप ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना, स्मॉल लीग में कभी मत ट्राई करना, मैंने बहुत रिस्क लिया है इस टीम में, क्योंकि फ्रेंड्स लगभग बैट्समैन तो मेरे हिसाब से आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। यहाँ फ्रेंड्स ये प्लेयर, ये चारों तीनों प्लेयर आपके लिए रिस्की रहने वाले हैं, मैंने यहाँ पर पुलांकेट को फ्रेंड्स मिस किया है, तो उस टीम में मैंने यहाँ पर लियाम पुलांकेट को लिया है, और फ्रेंड्स इधर से आपको बता दें मैंने धनंजय डिसलवा को मिस किया, तो आप इधर पे इनकी जगह पे धनंजय डिसलवा को ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स ऑप्शन में आपको मैंने सारे ऑप्शन दे दिया हूँ फ्रेंड्स, तो बहुत रिस्की मैच होने वाला है, अभी भी बोलूँगा कम इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आपके लिए बढ़िया रह सकता है फ्रेंड्स। और आपसे यहाँ से बोलूँगा फ्रेंड्स, आपने अब वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को अब जाके एक लाइक तो कर ही दो यार अब तक, और फ्रेंड्स जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्रेंड्स यूट्यूब पर आगे आने वाले हमारे जो भी वीडियो रहेंगे किसी भी मैचेस के वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से और कंफर्म न्यूज मुझे मिलेगी किसी भी प्लेयर के रिलेटिव तो वो आप तक पहुंचा दी जाएगी, चाहे मैं फ्रेंड्स यहां से आपको थंब चेंज करके दिखाऊं, चाहे फ्रेंड्स यहां से आप लास्ट टाइम पे आके एक बार जरूर देख लेना वीडियो को, चाहे आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो न्यूज आप तक पहुंचाना मेरा काम है, जो भी न्यूज कंफर्म निकल के आएगी फ्रेंड्स वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।